कहानी शुरू होती है मथुरा से, जहां कुछ दिनों पहले पुलिस ने एक शार्प शूटर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। ये शार्प शूटर दिल्ली से आगरा होते हुए मथुरा पहुंचा था, लेकिन सवाल ये था कि मथुरा जैसे शांत और धार्मिक स्थान पर वो आखिर किससे मिलने आया था, किस मिशन पर था। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई। उन्हें शक था कि इस शूटर का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है, और यहीं से सामने आया अपराध की दुनिया का एक बेहद खतरनाक और गुप्त पहलू, स्लीपिंग मॉड्यूल। स्लीपिंग मॉड्यूल अपराध की दुनिया में वो छिपा हुआ हथियार है जो किसी खास मिशन या काम के लिए तैयार रहता है, लेकिन तब तक सक्रिय नहीं होता जब तक उसे आदेश नहीं दिया जाता। ये लोग आम नागरिकों की तरह दिखते हैं, सामान्य जिंदगी जीते हैं और समाज में घुल मिल जाते हैं। वे ना तो संदिग्ध लगते हैं और ना ही उनका कोई खास रिकॉर्ड होता है जिससे उन पर शक किया जा सके। लॉरेंस बिश्नोई जैसे बड़े गैंगस्टर का नेटवर्क स्लीपिंग मॉड्यूल्स के जरिए ही फैल रहा है। यूपी के कई शहरों में, खासकर अयोध्या, प्रयागराज और मथुरा जैसे इलाकों में उसके स्लीपिंग मॉड्यूल्स की सक्रियता की खबरें सामने आ रही हैं। इन मॉड्यूल्स का काम बड़ा साफ होता है, किसी मिशन का आदेश मिलते ही बिना कोई समय गवाए उसे अंजाम देना। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान जब सपा प्रत्याशी अभय सिंह पर हमला हुआ था, तब पहली बार यूपी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की सक्रियता की खबरें आई। अभय सिंह ने सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई और पूर्वांचल के एक माफिया पर आरोप लगाया था कि उनकी जान को खतरा है। इस आरोप के बाद यूपी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की स्लीपिंग मॉड्यूल्स की बातें शुरू हुई। ये सिर्फ अभय सिंह का मामला नहीं था। अतीक अहमद और अशरफ की प्रयागराज में हत्या, लखनऊ में जीवा की अदालत में हत्या और हाल ही में बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी यूपी का कनेक्शन सामने आया। हर बार एक ही सवाल उठता है, आखिर ये शूटर कौन है और कहां से आते हैं, और हर बार जवाब एक ही मिलता है, स्लीपिंग मॉड्यूल्स। एक स्लीपिंग मॉड्यूल की सबसे बड़ी खासियत उसकी गुप्त पहचान होती है। ये व्यक्ति आमतौर पर किसी छोटे मोटे काम में लगा होता है, कोई व्यापारी, कोई छात्र या फिर कोई ट्रक ड्राइवर, लेकिन असल में वो किसी बड़े गिरोह का हिस्सा होता है। उसका काम तब शुरू होता है जब उसे आदेश मिलता है। आदेश मिलते ही वो अपने सामान्य जीवन को छोड़कर मिशन पर निकल पड़ता है। जैसे ही मिशन पूरा हो जाता है वो वापस अपनी पुरानी पहचान में लौट जाता है, और यही वजह है कि इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। उदाहरण के तौर पर मथुरा के धार्मिक स्थल वृंदावन और गोवर्धन बदमाशों के लिए बेहतरीन ठिकाने बन जाते हैं। यहाँ वे आम नागरिकों की तरह भेष बदल कर फरारी काटते हैं और फिर मौका मिलते किसी बड़े अपराध को अंजाम देते हैं। लॉरेंस बिश्नोई, जो फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, इसका नेटवर्क उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तक फैला हुआ है। माना जा रहा है कि बिश्नोई का सबसे पुराना दोस्त पूर्वांचल का एक माफिया है, जिसके जरिए वो यूपी में अपने पैर पसार रहा है। सूत्र बताते हैं कि बिश्नोई ने अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों में भी अपना नेटवर्क फैलाया हुआ है। यूपी में हाल की घटनाओं को देखकर ये स्पष्ट होता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का स्लीपिंग मॉड्यूल सिस्टम बेहद मजबूत है। मथुरा में जब शार्प शूटर पकड़ा गया तो ये सवाल उठना लाजमी था कि आखिर वो मथुरा में किससे मिलने आया था। क्या वहां उसका कोई स्लीपिंग मॉड्यूल सक्रिय था? क्या उसकी योजना किसी बड़े अपराध की थी? सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट पर हैं, लेकिन स्लीपिंग मॉड्यूल्स की गुप्त कार्यप्रणाली के चलते इन्हें पकड़ना किसी चुनौती से कम नहीं। सिर्फ गैंगस्टर ही नहीं बल्कि आतंकवादी संगठन भी स्लीपिंग मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। 9/11 हमलों के बाद ये बात सामने आई थी कि हमलावरों में से कुछ लोग कई सालों तक अमेरिका में सामान्य जीवन जीते रहे थे। वो यहाँ पढ़ाई कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे और किसी ने उन पर शक नहीं किया, लेकिन जब हमला करने का समय आया तो वो एक साथ सक्रिय हो गए। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट्स भी स्लीपिंग मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ड्रग्स तस्करी, हथियारों की सप्लाई और मानव तस्करी जैसे कामों में इनका उपयोग होता है। स्लीपिंग मॉड्यूल्स अपराध की दुनिया का एक अंधेरा और खतरनाक पहलू है। हालांकि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इन पर नजर रख रही है, लेकिन इन्हें पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।